कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से सचिन पायलट ने मुलाकात की है। पायलट कैंप सूत्र ने बताया कि राहुल गांधी ने हर शिकायत दूर करने का भरोसा दिया है। प्रिया चक्रवर्ती का नया हलफनामा, कहा गलत तरीके से मीडिया ट्रायल चला जा रहा है। प्रिया ने कहा कि पिछले 30 दिनों में सुशांत की तरह अभिनेता आशुतोष भाकरे और समीर शर्मा ने भी आत्महत्या की है, लेकिन इन मामलों के बारे में मीडिया में खानाफूसी भी नहीं हुई है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हुए कोरोना संक्रमित, ट्वीट कर खुद दी जानकारी। कई बड़े नेताओं को कोरोना वायरस से संक्रमित होने की खबरों के बीच अब खुद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी सामने आई है। नशे में चूर रईस जादे ने पुलिस की गाड़ी में मारी टक्कर, हेड कांस्टेबल की मौत। घटना बीती रात करीब 2:45 बजे की है। खालसा कॉलेज के पास एक तेज रफ्तार होंडा सिटी कार ने दिल्ली पुलिस की कार में जोरदार टक्कर मार दी। आर अश्विन ने आईपीएल से पहले इजाद की नई गच्चा बॉल पोस्ट किया वीडियो। वास्तव में आर अश्विन और उनकी नई टीम दिल्ली कैपिटल्स को अच्छे परिणाम दिला सकता है। आर अश्विन ने अपनी इस नई खोज का वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है और दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बाहर निकलने वाली इस गेंद को मिलने वाला घुमाव हैरान भरा है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया, धर्मनिरपेक्ष दल एक तरफ मुस्लिम विरोधी पद नहीं ले सकते हैं और दूसरी ओर उनसे हमारी निष्पक्ष निष्ठा की अपेक्षा करते हैं। अंडमान को मिली कनेक्टिविटी की सौगात, पीएम मोदी बोले टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर होगी पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अंडमान निकोबार के लिए फाइबर केबल की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट के जरिए अंडमान निकोबार में कनेक्टिविटी मजबूत होगी। हापुड़ में मासूम से दरिंदगी, 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी 4 दिन बाद भी नहीं पकड़े गए। पुलिस ने स्केच जारी किए, बच्ची की आंख का ऑपरेशन सफल रहा। सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों की 30 सितंबर तक फाइनल ईयर की परीक्षा कराने की यूजीसी के निर्देश को चुनौती देने वाली 31 स्टूडेंट्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अब अगली सुनवाई 14 अगस्त को करेगा। देश की इकोनॉमी को लेकर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार को दिए 3 टिप्स। सरकार ने अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए बाजार में पैसे डाले हैं और कई उद्योगों को आर्थिक सहायता दे रही है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहना है कि सरकार को अगले कुछ सालों को संभालने के लिए बड़े कदम उठाने होंगे।